जो कि इवन नॉर्थ अमेरिका में मुझे खुद उन्होंने लेटर भिजवाया और उन्होंने वो किया, कंडेम किया, पाकिस्तान ओवरसीज फोरम है और उन वो मोस्टली बिलोंग टू गुजर खान और मंडी बाउद्दीन और वहां से लोग होते हैं. उन्होंने कहा कि वी कंडेम द अटैक ऑफ 9 मई. तो वो वहां पे अमेरिका और उन्होंने कहा कि जो भी इसको सपोर्ट करता है, अगर पाकिस्तान के खिलाफ किसी ने भी, चाहे वो लॉबियस्ट के पास गए हैं कि पाकिस्तान की अफवाज की, या जो उसके खिलाफ गए हैं या पाकिस्तान की बीमारी, हम उसको कंडेम करते हैं, हमारी मोहब्बत वो है. तो ख्वाजा साहब का मैं मशकूर हूं कि आज उन्होंने जो क्लेरिफिकेशन बहुत अच्छी दी, क्योंकि एक बयानिया बयाना. स्टाइलो ईद 23, जो चाहूं वो पाऊं. उनका तो ओवरसीज फोरम ने जो लेटर मुझे भी वो किया था, हमें भी कॉल किया था, वो दीवान मुस्तफा, उन्होंने वहां पे, उनके वाइस प्रेसिडेंट है, उन्होंने मुझे वो किया. तो सर मैं ख्वाजा साहब का शुक्रगुजार हूं. जहां तक ये ट्रैफिकिंग की बात है सर, वो रूट्स हैं वो ईरान के जरिए जाते हैं, बाय एयर मेरे ख्याल में कम वो करें, लेकिन थ्रू ईरान और वो डेंकी करके, पता नहीं डेंकी कहते हैं कि क्या, वो उस तरीके से उस तरफ से जाते हैं. ये एक इंसानी फितरत है सर कि ये माइग्रेशन चलती रहती है, हर एक उसमें जाते हैं. बदबख्ती ये है कि हम लोग गरीब होते हैं या उनको वो तरीका, उनको मिसगाइड लोग कर लेते हैं. तो उम्मीद है, मैंने आज सुबह जो टेलीविजन पे एक जियो टीवी पे देखा, तो जो एफआईए का जो जिस ऑफिसर को दिया गया, तो वो तो बड़ा काबिल बंदा है. अल्लाह करे जो वो, अगर वो बंदा बैठा तो मेरे ख्याल में इंशाल्लाह लोग को गिरफ्तार किया जाएगा. तो सर मैं एक मर्तबा फिर आपका भी शुक्रगुजार हूं और ख्वाजा साहब का भी शुक्रगुजार हूं कि ये ओवरसीज के लिहाज से आपने स्टेटमेंट क्लेरिफिकेशन दी. शुक्रिया सर. मोहसिन दावर साहब, अभी मैं आपकी तरफ आ जी.